सत श्री अकाल दोस्तों, थोड़े अपने चैनल माइंड कोच दे विच थोड़ा स्वागत है। आज एक नवी सीरीज शुरू करन जा रहे हैं, पंजाब जीके दी सीरीज, जिसका सेट वन आज आप कंप्लीट करांगे। और ये टोटल सीरीज जो है वो 600 प्लस एमसीक्यू दी सीरीज है, जिस दे विच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थानू देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस एग्जाम दे विच आ चुके ने। तो बिना देरी शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद विच पंजाब दे लई केड़ा शब्द प्रयोग किया गया है। तो देखो ऋग्वेद विच पंजाब दे लई जो शब्द यूज किया गया है वो केड़ा शब्द है, तो वो है सप्त सिंधु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। अगर तुहानू पूछना है कि टक देश कदों कहा जाता सी पंजाब नू, तो याद रखियो टक देश उदो कहा जाता सी जदों टक नाम का एक कबीला पंजाब दे विच रिहा करता सी। पेंटापुटामिया भी पंजाब का नाम है, और ये पेंटापुटामिया एक्चुअल दे विच जो ग्रीक है, जो ग्रीक ने उन्हां द्वारा यह नाम दिता गया, यूनानी जिन्होंने तुसी बोलते हो। क्वेश्चन आ गया कि यूनानी भाषा दे विच पंजाब नू की नाम दिता गया, तो वह पेंटा पुटामिया। पेंटा का मतलब पंज, पुटामिया का मतलब पानी। लाहौर सूबा की गल करिए तो महाराजा रणजीत सिंह के समय पंजाब जो सी वह पूरे का पूरा लाहौर सूबा कहलाउंदा सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है बी। आगे चलते हैं, पंजाब नू अंग्रेजी रियासत विच कदों मिला लिया गया। देखो पंजाब नू अंग्रेजी रियासत विच मिलाया सी 1849 दे विच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी बनेगा। और अगर पूछ लेन कि पंजाब नू अंग्रेजी रियासत विच किस लड़ाई तो बाद मिलाया गया, तो वो सी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो ए याद रखने जो कि 1848 तो 49 तिकर ये चली सी। अगर आप इसनू होर ज्यादा डीप देखिए तो देखो पंजाब नू भी लैप्स की नीति के द्वारा ही कैप्चर किया गया। और अगर पूछ लेन कि लैप्स की नीति द्वारा पहला स्टेट केड़ा कैप्चर किया गया, उसका नाम है सतारा। ठीक है, और अगर पूछ लें कि लास्ट स्टेट केड़ा कैप्चर किया गया, तो उसका नाम है अवध। और एक क्वेश्चन इस बनेगा कि पंजाब नू अंग्रेजी रियासत विच जो मिलाया गया उस समय पंजाब का महाराजा कौन सी, तो वो सी महाराजा दलीप सिंह। और अगर पूछ लें कि उस समय गवर्नर जनरल कौन सी, तो वो सी लॉर्ड डलहौजी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रख सकते हो। आगे चलते हैं, पंजाब विच आउण वाले ज्यादातर विदेशी हमलावर किहड़े दरे विचों लंघ के आए। दरा दो पहाड़ा दे विचकार जो एरिया बनेगा वह दरा होएगा। तो दरिया के विचों लंघ के आए सी हमलावर, और केड़ा दरा सी जिदे विचों लंघ के पंजाब ते हमला किया जाता सी, तो वह है खैबर का दरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ए। आगे चलते हैं, भूगोलिक तौर ते पंजाब नू किन्ने खंडा विच वंडिया जा सकता है। देखो भूगोलिक तौर ते पंजाब नू जो डिवाइड किया जा सकता है यह तीन खंडा दे विच इस नू वंडिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। आगे चलते हैं, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन कदों अते किसने किया। तो देखो आदि ग्रंथ का जो संकलन किया सी या करवाया सी, एक गुरु अर्जन देव जी ने करवाया सी, और 1604 दे विच होया। तो डेट याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगे चलते हैं, दशम ग्रंथ किन्नियां रचनावां दा संग्रह है। तो देखो दशम ग्रंथ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ? ਤੋ ਇਹ 18 ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੈ? ਤੋ ਦੇਖੋ, ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ? ਤੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਰਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਕਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਤੋ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਏ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੋ ਦੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਸੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਇਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ? ਤੋ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਬੀ। 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੇਖੋ, 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਤੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜੋ ਰੂਲਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੁਲਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੋ ਦੇਖੋ, ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਾਜੇ ਦੱਸੇ, ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਤੋ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਸੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਜਿਸਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜੋ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਧੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਰ ਜੋ ਫਰਗਨਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਸਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 1519 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਟੋਟਲ ਇਸਨੇ 5 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ 1519 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ? ਤੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ 1519 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, 1526 ਦੀ ਲੜਾਈ, 1556 ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ 1761 ਦੀ ਲੜਾਈ। 1526 ਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਤੋ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਮਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526 ਈਸਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? ਤੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫੀਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਜੋ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੈਮਤ, ਭਗਤੀ ਮਤ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਡੀ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਏ। ਜਜੀਆ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਜੀਆ ਲਾਇਆ ਕਿਸਨੇ? ਤੋ ਜਜੀਆ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦੁਆਰਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੰਧ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ 712 AD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਮਲੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਜੋ ਪਰਫੈਕਟ ਹਮਲਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦਾ ਉਹ 712 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੰਧ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤਾਹਿਰ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਨੇ ਹੀ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਜੀਆ ਲਗਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਚ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਹਨ? ਤੋ ਦੇਖੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਲਸੀ ਹੋਣਾ,
तो देखो पंजाबी आलसी तो नहीं सी, इस करके भरोसेयोग सोमियां की घाट और मुसलमान लेखकों की धार्मिक कट्टरता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा डी। आगे चलते हैं, 16वीं सदी के आरंभ विच पंजाब विच मुस्लिम सिक्ख्या के किन्ने केंद्र होया करते सन? तो देखो 16वीं शताब्दी के विच जो मुस्लिम सिक्ख्या के केंद्र होंगे सन, वो टोटल चार केंद्र होया करते सन। पंजाब का खेत्रफल किन्ने? तो ये क्वेश्चन हुने आके गया है, तो 5,362। पंजाब का कुल खेत्रफल अगर पूछ लिया जाए तो 5,362 बनेगा। आगे चलते हैं, हुण दे पंजाब विच दरियावां की कुल गिनती किन्नी है? आपां कहा कि पंज दरियावां की धरती, लेकिन हुण जो दरिया तुहानूं देखण नूं मिलणगे वो ढाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3, और अगर ढाई नहीं है तो फिर 3 लाना, लेकिन ढाई की ऑप्शन आएगी तो फिर ढाई ही लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। आगे चलते हैं, इन्हां विचों केड़ा दरिया अजोके पंजाब विचों नहीं लंघता? तो देखो पंजाब दे विचों इन्हां विचों केड़ा दरिया नहीं लंघता? तो वह है जेहलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। तुसी मैनूं ये भी दसोगे कि इन्हां विचों केड़ी रिवर या केड़ा दरिया जो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुके हैं, ये तुसी मैनूं कमेंट करके दसोगे। करंट न्यूज है, याद रखनी है। पंजाब दे दक्षण वाल नूं केड़ा राज है? तो पंजाब का दक्षण और पंजाब दे दक्षण वाल जो राज मिलेगा तुहानूं वो केड़ा राज मिलेगा? तो वह है हरियाणा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुसी हरियाणा लाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी बनेगा। दरिया सतलुज अते ब्यास विचकार स्थित तकोने खेतर नूं की किया जाता है? तो सतलुज अते ब्यास का जो विचकारला एरिया है, जो तिकोना खेतर है, इसनों की किया जाता है? तो इसनों किया जाता है दुआबा, दो आब, दुआबा दो आब दे विचकारला एरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी। इन्हां विचों केड़ा जिला दुआबा खेतर विच नहीं है? तो देखो इन्हां विचों केड़ा जिला दुआबा खेतर दे विच नहीं पैंदा? तो वह है लुधियाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। पंजाब का दुआब खेतर केड़े केड़े दरियावां विचकार आउंदा है? तो ए पिछे आपां क्वेश्चन कर ही चुके हाँ, इसका जो राइट आंसर बनेगा ब्यास अते सतलुज। तो ब्यास अते सतलुज दे विचकारला एरिया जिसनों तुसी दुआब बोलते। पंजाब विच केड़ा खेतर दरिया रावी अते ब्यास विचकार आउंदा है? रावी अते ब्यास विचकार केड़ा खेतर पैंदा है? तो ए है माझा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। पंजाब का केड़ा शहर कपड़ा उद्योग लिए जाना जाता है? देखो इतने दो चीजें हैं, अगर आप गल करते पे हैं 16वीं सेंचुरी की, तो उत्थे जो सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट उद्योग सी वो कपड़ा उद्योग सी, और ये कपड़ा उद्योग उस समय अमृतसर का सब तो ज्यादा मशहूर सी। तो आप 16वीं सदी की ही गल करते पे हैं, इस करके अमृतसर टिक कर। लेकिन अगर अज पंजाब का मानचेस्टर तुहानूं पूछ लें तो वह लुधियाना है। तो ये दोनों ही अलग अलग याद रखने हैं, मोस्टली तुहानू 16वीं सदी का ही पूछते हैं, इस करके अमृतसर ही आएगा। तो इन्नी टेल तुसी याद रखनी है। नैक्सट चलते हैं, अपर बारी दुआब नहर इन्हां विचों किस दरिया विचों कढ़ी गई है? रावी। तो रावी दरिया के विचों अपर बारी दुआब नहर कढ़ी गई है। इन्हां विचों केड़ी सौनी की फसल है? इन्हां विचों केड़ी सौनी दी फसल है? तो वो है झोना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। इन्हां विचों केड़ी सौनी दी फसल नहीं है? तो वो है सरों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। इन्हां विचों केड़ी पंजाब दी नगदी फसल है, मतलब कैश क्रॉप है? कैश क्रॉप जो बेची जाती है मार्केट दे लई यूज की जाती, तो वह है गन्ना। एक चीज इतने तुसी ध्यान रखनी है कि कमर्शियल क्रॉप अगर तुहानू पूछ लैन पंजाब की कि कमर्शियल क्रॉप केड़ी है, तो वह है चावल।
ठीक है, मतलब कहने का भाव है कि यह हरेक स्टेट के अलग अलग होंगी है। आपां चावल घट कंज्यूम किया जाता है लेकिन वह वेचा ज्यादा जाता है, लेकिन अगर यही चीज मैं बिहार या दूजे यूपी वाले एरिए या किसी होर एरिए देखा तो उत्थे हो सकता है कि कमर्शियल क्रॉप उत्थे जिहड़ी है वह कणक होवे और फूड क्रॉप उत्थे जिहड़ी है वह चावल हो, लेकिन अपने इत्थे फूड क्रॉप जो है वो कणक है और कमर्शियल क्रॉप जिहड़ी है वह चावल है। अगे चलते, पंजाब विच मध्य दे मैदान की मिट्टी नूं की नाम दिता जाता है? तो देखो, पंजाब की जो मध्य दे मैदान की मिट्टी है उसनों बोलते हैं एलोवियल सॉयल, जिसनों तुसी जलोड़ मिट्टी के नाम जानते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। किस फसल की खेती लगभग हर जिले के विच होंदी है? देखो इतने क्वेश्चन सी कि काली मिट्टी, रघूर मिट्टी, तो काली मिट्टी किस फसल के लिए इंपॉर्टेंट होंदी है तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे। ठीक है, अगे चलते हैं। किस फसल की खेती लगभग हर जिले के विच होंदी है? तो देखो, कणक है जो हर जिले के विच उगाई जाती है, क्यों? क्योंकि अपनी जिहड़ी आ फूड क्रॉप जिहड़ी है वह कणक है। इन्हां विचों किस जिले विच सब तो वध कपाह पैदा की जाती है? देखो, पुराना क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप गल करिए तो जो 40वां क्वेश्चन है इसका जो आंसर बनेगा वह सी बनेगा, फिरोजपुर। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर फिरोजपुर बनेगा। ठीक है, तो इन्हां विचों किस जिले विच सब तो वध कपाह पैदा की जाती है? तो वह है फिरोजपुर। आगे चलते हैं, इन्हां विचों केड़ा शहर सिंधु घाटी की सभ्यता नाल संबंधित नहीं है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड तुहानू पता ही है 2300 तो लैके 1750 BC, अगर ये डेट ऑप्शन च नहीं होएगी कदे तो 2500 तो लैके 1750 BC तक का इसका टाइम पीरियड बनता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन नूं तुसी ब्रॉन्ज एज भी बोलते हो, प्रोटो हिस्टोरिक एज भी बोलते हो। ठीक है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई मैटल पूछ ले कि केड़ी मैटल सी तो वह ब्रॉन्ज सी, ब्रॉन्ज मतलब कांसा, तो इसनों कांसा युग के नाम भी जाने जाता है। ठीक है, अगर मैं गल करा कि इन्हां विचों केड़ा शहर सिंधु घाटी सभ्यता नाल संबंधित है तो वह है रूपनगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी। आगे चलते हैं, जन्म साखियां दियां वख-वख परंपरावां विच, जन्म साखियां दियां वख-वख परंपरावां विच सब तो बाद उभरी परंपरा केड़ी सी? तो जन्म साखियां दियां वख-वख परंपरावां विच सब तो बाद उभरी परंपरा सी ज्ञान रत्नावली दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। इन्हां विचों मिसलां ते उन्हां दे संस्थापक संबंधी केड़ा जोड़ा सही नहीं है? तो देखो, फैजलपुरिया मिसल दे संस्थापक नवाब कपूर सिंह सी, ये बिल्कुल सही है। कन्हैया मिसल दे जय सिंह सी, ये बिल्कुल सही है। पंगी मिसल दे छज्जा सिंह सी, ये बिल्कुल सही है। शुक्र चकिया मिसल दे जस्सा सिंह आहलूवालिया नहीं सी। ठीक है, इहदे विच तुहानू नौद सिंह मिल सकदा है, फिर चढ़त सिंह मिल सकदे ने, फिर महा सिंह मिल सकदे ने, फिर महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, जो सीक्वेंस बनेगी वो चढ़त सिंह, महा सिंह अते महाराजा रणजीत सिंह दी, लेकिन अगर ऑप्शन च चढ़त सिंह नहीं तो फिर नौद सिंह आ जाएगा। आगे चलते हैं, इन्हां विचों दशम ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो देखो, इन्हां विचों जो दशम ग्रंथ का संकलन किया वह किया गुरु गोबिंद सिंह जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। सिख धर्म की नींह किसने रखी? तो देखो, सिख धर्म की नींह रखी गई गुरु नानक देव जी द्वारा, पहले गुरु गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया? तो देखो, गुरु नानक देव जी का जो जन्म होया ये होया 15 अप्रैल 1469 ईस्वी के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। गुरु नानक देव जी की माता जी का की नाम सी? तो देखो, गुरु नानक देव जी की माता जी का नाम सी माता तृप्ता जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। गुरु नानक देव जी ने किन्ने साल की उम्र में मझां चराइया? तो देखो, गुरु नानक देव जी ने 12 साल की उम्र के मझां चराइया।
गुरु नानक देव जी की वड्डी भैन का की नाम सी? तो गुरु नानक देव जी की वड्डी भैन जी का नाम सी बेबे नानकी। गुरु नानक देव जी ने किन्ने साल की उम्र विच जनेऊ पाउण तो ना कर दित्ती सी? तो गुरु नानक देव जी ने 10 साल की उम्र दे विच जनेऊ पाउण तो इनकार कर दिता सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। तो इसे तुहाडे सैट 1 दे टोटल 50 MCQ एक टोटल 600 प्लस MCQ मैं कवर करावांगा। और हुण तिकर तुहानू ये पता चल गया होएगा कि जिन्ने भी एग्जाम प्रीवियस एग्जाम होए वो सारे दे सारे MCQ कित्थों चके गए सी, ते पूरी दी पूरी सीक्वेंस बनी हुई है जो तुहाडा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपां चलदे पए हैं और पूरी दी पूरी सीक्वेंस नूं आपां कंप्लीट करांगे। तुसी मैनूं फॉलो कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल माइंड कोच ते जिससे तुसी ये वीडियो देख रहे हो। तुसी मैनूं स्टडी फॉर GK 1980 ऑफिशियल इंस्टाग्राम ते फॉलो कर सकते हो। तुसी मैनूं टेलीग्राम चैनल माइंड कोच 08 ते फॉलो कर सकते हो। और अगर तुसी इसकी PDF लेनी है तो तुसी इस टेलीग्राम नूं ज्वाइन करो और उत्ते तुहानूं एक PDF मिल जाएगी। अगर तुसी किसी किस्म की कोई क्वेरी करना चाहते हो या कोई हार्ड कॉपी किसी भी नोट्सा की हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो तुसी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते। तो थैंक यू।